ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਚੇਨਈ। ਇਹ ਟੀਰੀ ਨਗਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ। ये तो हॉल है। यहाँ पर सब चाय का लंगर ले रहे हैं। ये लंगर हॉल है। चमन सिंह कपूर, देव सिंह, हरवंत सिंह आनंद, जितेंद्र बैरा सिंह, ये सब मेंबर है। ये जोड़ा घर है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੱਪਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
आपका नाम क्या है? अखिल कुमार पांडे। अखिल कुमार पांडे, अच्छा पांडे जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं आया हूँ, तो मेरी बच्ची का इंटरव्यू है। अच्छा, लिफ्ट में जी। तो उसका इंटरव्यू प्लस बालक है, बच्चा मेरे। अच्छा, बच्चे भी हैं। शंकर नेत्रालय में। अच्छा, और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को भी अपना इसको दिखाना है। अच्छा अच्छा, दो हॉस्पिटल में ये मुड़ता नहीं पाऊँ। अच्छा, तो आपको यहाँ कमरे मिल गए हैं रहने के लिए, और तीनों टाइम का खाना वगैरह मिलता है? ठीक ठीक, खुश हैं आप इधर? जी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। आप लोग इधर ही रहते हैं? बिहार है। आप ये गुरुद्वारा की सेवा करते हैं? नहीं, खाना खाने आते हैं ना, कुछ कुछ करके चल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ मतलब तीनों टाइम आपको खाना मिलता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथ में सेवा भी करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं? हाँ। अच्छा ठीक, खा लेते हैं। आप कुछ कुछ काम रहता है तो करके अपना टाइम मिलता तो चल जाते हैं, जिस दिन टाइम नहीं मिलता है उस दिन खा के खाने चल जाते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी एक घंटा टाइम था, कुछ कुछ करके ही जाते हैं। ठीक 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 ठीक। Another office. मैं आपका निशा। निशा, निशा आप यहाँ पे काम करता है गुरुद्वारा में? हाँ सर। अच्छा, कहाँ से आता है? अलचेरी से। अलचेरी से, ठीक है। इधर कोई वो कैसा लगता है आपको गुरुद्वारा आकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लंगर वगैरह बहुत करता है। इधर का समझने लगा है, पंजाबी वगैरह समझ लेता थोड़ा बहुत? हाँ सर, हिंदी समझता है ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्या ड्यूटी है इधर? इधर मैं हाउसकीपिंग का है। अच्छा, सफाई वगैरह करता है? सफाई का। ठीक ठीक ठीक। एक जोड़ा घर है, क्या नाम है आपका? अपना नाम है मुत्तू। अच्छा मुत्तू, तुम इधर क्या करता है काम? इधर झाड़ू मार। झाड़ू मारता है? झाड़ू मारता गुरुद्वारा सेवा, राउंड राउंड करना, राउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना टाइम लगाता है इधर? हमें इतना टाइम 7 बजे से 12 बजे एक बताओ। अच्छा, आप इधर ही गुरुद्वारा के अंदर रहते हैं? गुरुद्वारा के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा नाम मुत्तू पार्वती। अच्छा, मुत्तू पार्वती, वाइफ पार्वती। अच्छा, हमें 50 पर 2 साल सर्विस हो गया। अरे 50 2 साल। अच्छा, सर्विस हो गया, 8,000 तनख्वाह दे। 8,000। इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या प्रॉब्लम, मेरा सो के आ गया, सो गया। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, 6 साल गोली कर, 6 साल गोली कर, गुरुद्वारा का सेवा कर, नहीं सर बैठ जाता। गुरुद्वारा की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरुद्वारा की सेवा कर रहा है तभी तो ये चल रहा है। अभी अभी देख, 50 साल हो गया, 52 साल हो गया, 8,000 तनख्वाह दे रहे हैं। ये स्टाफ क्वार्टर है यहाँ पर, स्टाफ को भी अच्छे क्वार्टर्स मिले हुए हैं। वगैरह भी इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने जनरेटर का, ऐसे बिजली वैसे कट ही जाती है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है,
लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, गुना सेंटर लाइब्रेरी। क्या नाम है आपका? कुटुस दास। कुटुस दास, कुटुक दास, कुटुस दास। अच्छा, आपको कितना दिन हो गया इधर आए? एक महीना हुआ। एक महीना हुआ, कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, इधर गुरुद्वारे की तरफ से आप सिक्योरिटी पे या आपको कोई सिक्योर रखा है? नहीं, गुरुद्वारे। ठीक ठीक ठीक। साढ़े नाल तरविंदर सिंह जी ने, सरदार तरविंदर सिंह जी। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। अच्छा, तुसी इत्थे लोकल हो? हाँ जी, इत्थे दे। किन्ने साल हो गए तुहानू इत्थे? 43 ईयर्स। 43 ईयर। अच्छा, इत्थे गुरुद्वारा साहब च तुसी आंदे रहोगे कि इह गुरुद्वारा साहब दे बारे च दसो? गुरुद्वारा साहब 1951 विच बणिया है जी, ते उदो तो काफी छोटी जी इमारत होंदी सी, हुण ते काफी अच्छा जिहा बण गया है जी। हाँ जी। और कुछ का? और इत मतलब प्रोग्राम कद कद होंगे? संडे मोस्टली होंगे, संडे सवेरे 10-11 बजे तो लैके 1 बजे तक कीर्तन दरबार होंगे, उस बाद लंगर होंगे। अच्छा। अबाउट 1,000-1,500 बंदा लंगर छक के जाता है जी रेगुलर संडे, और एवरी डे मतलब सवेर का, दोपहर का और रात का भी लंगर लगता है। अच्छा अच्छा, वो मैं देखा 12 बजे आते रिहायश करते वो लंगर छक के जाते जी जी, कोई ऐसी गल नहीं है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਤਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 43 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ, ਤ੍ਰਿਨਗਰ, ਚੇਨਈ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1953 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 26 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਈਪ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 3 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ 18 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 25 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।